नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे YouTube चैनल पर। जो हमारी आज की नई वीडियो है वो है भाई वेनस कीटनाशक जो JU कंपनी बनाती है। और भाई आज हम इसको आपको बताएंगे कि इसका टेक्निकल नाम क्या है, कैसे कैसे ये काम करता है खेतों में, और कौन कौन सी फसलों पर इसका छिड़काव कर सकते हैं, और कौन कौन से कीटनाशकों को ये मारता है या रोक पाता है। तो भाई जो इसका असल नाम है वो है एसिटा 20% SP। और भाई इसे कोई भी धान के ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं, और सब्जियों के जैसे गोभी, बैंगन, भिंडी, मिर्च, इस तरह की सब्जियों के ऊपर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। और भाई जो इसका रिजल्ट रहता है 10 से 12 दिन का रिजल्ट रहता है इसका। कोई भी दवाई है, आप कोई भी कीटनाशकों की दवा होगी, हद से हद 15 दिन से ज़्यादा कोई रिजल्ट नहीं रहता, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। और भाई जो ये रोकता है जो कीटनाशकों को, एक तो सफ़ेद मक्खी को रोकता है, ग्रीन पॉपर को रोकता है, और तेले को भी रोकता है, और इसको भाई कॉटन के ऊपर भी छिड़काव इसका कर सकते हैं। और अगर हम इसके बात करें रेट की, तो भाई ये ज़्यादा महंगा भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे तो हर दुकानों का रेट अलग होता है, 10-20 रुपए का फ़र्क पड़ता ही है, लेकिन हम मुजफ्फरनगर से हमने इसको लिया है तो ये 90 रुपए का 100 ग्राम की पैकिंग पड़ी है हमें, पूरी 100 ग्राम की 90 रुपए में पैकिंग पड़ी है। वैसे दुकानों पे अगर कोई अनजान होता है तो दुकानों वाले ऑटोमेटिक रेट बढ़ा देते हैं भाई, तो वही 100-110-120 रुपए में मिल जाएगा ईजिली, लेकिन जो इसका असल रेट है वो 90 रुपए का 100 ग्राम है। एक बार आपको इसे पास से भी दिखा देते हैं। ऐसी टप 20% SP है भाई, विनस कीटनाशक है, JU कंपनी इसको बनाती है, और ये सफ़ेद मक्खी, ग्रीन होपर और तेला। और भाई इसको कॉटन के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं इसकी, और भाई सब कुछ इसके पीछे लिखा हुआ है, सब्जियों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं और धान के ऊपर भी कर सकते हैं। 100 ग्राम की पैकिंग है भाई, 90 रुपए में। और अगर इसका हम रेट दिखाएं, रेट तो 3 रुपये लिखा हुआ है भाई, 13 ग्राम दवाई 3 रुपये की है। अब आप 100 ग्राम लगा लो कितने की बैठेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो भाइयों लाइक करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बने रहें हमारे चैनल के साथ, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।